हूँ श्वेता और स्वागत है मेरे साथ साथ आप सबका इस कॉमेडी की नई दुनिया में, जिसका नाम है होंडा जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख, कॉमेडी का नया जश्न। आज से मैं हूँ शो की नई एंकर, क्योंकि जनता की बेहद मांग पर बुलाया गया है मुझे नहीं, अर्चना और शेखर को। जोरदार तालियां हमारे जजेस के लिए, हैंडसम टैलेंटेड अर्चना पूरन सिंह और गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल शेखर सुमन। सॉरी, गलती हो गई, पहली बार कॉमेडी शो होस्ट कर रही हूं ना। प्लीज वेलकम हैंडसम टैलेंटेड शेखर सुमन एंड ब्यूटीफुल गॉर्जियस अर्चना पूरन सिंह। शेखर, I mean, you've been fine, I know you look fine, but कहाँ थे अब तक तुम? मैं कहाँ था? मैं तो यहीं था, शो होस्ट कर रहा था। वो तुम थे? Oh my God, I didn't even recognize you. वो बेल वाला बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। Thank you so much. बेल ने बहुत अच्छा किया था। इस शो में तुम्हारी कमी बहुत खल रही थी, तो हमने सोचा किसी ऐसी शख्सियत को ले आए जो तुम्हारी तरह दिखता हो या तुम्हारे करीब हो, इसलिए हम किसी बेल को ले आए। वैसे सुना है कि जनता की बेहद मांग पर तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। मुझे तो बोला गया था मेरा चेक रेडी है, इसलिए बुलाया गया। ये सब झूठ बोला, कोई चेक वेक रेडी नहीं है, बैल को भी यही कह के बुलाया था। हम दोनों अब यहाँ पर हैं, तो काम शुरू करें, हैं? प्लीज गो ऑन। ये क्या था? मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया, ये तो यही मेरा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से तुम हंसी और जिस तरह से तुम फंसी, उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जो हंसने का तुमने अपना ये लंबा काम यहाँ क्यों शुरू कर दिया? वहाँ बैठकर करते ना अपना काम। Oh, I forgot. All right. Thank you, judges. Thank you. आज के इस एपिसोड को हमने दिया है एक नया ट्विस्ट, तीसरा कौन, मतलब हमारी हर जोड़ी के साथ जुड़ेगा कोई तीसरा परफॉर्मर। मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए एक बॉडीगार्ड रख ही लूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी। खैर, जब तक मेरी बॉडी बने, तब तक देखते हैं कि बैजू और बावरा कैसे बनते हैं एक्ट्रेस जेनिफर के जोड़ीगार्ड, अ बॉडीगार्ड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णा विद सुदेश एंड जेनिफर। ये आदमी इंटरव्यू के लिए आने वाले थे, मेरे बॉडीगार्ड बनने आने हैं, लेकिन टाइम का जरा भी ख्याल नहीं है इन्हें, कहाँ रह गए? बैजू तेरा नाम, अरे बाबरा तेरा नाम, अरे बॉडीगार्ड बना ले हमको मेरे थोड़ा का, अरे बॉडीगार्ड बना ले हमको तेरे। बावरे, हम लोग सही जगह पे तो आए हैं ना? देखो अभी तक बेइज्जती नहीं हुई, लगता सही जगह आ गए हैं। ओह माय गॉड, अरे मैं बेहोश हो जाऊंगा यार। अरे आप वही फेमस सुपरस्टार हीरोइन है ना, रानी पूंकर जी? आप इतनी स्मार्ट है, नाम क्यों नहीं ठीक रखा आपने? एक्सक्यूज मी, तुम दोनों कौन हो, क्या करने आए यहाँ पर? हा? मैं थप्पड़ मारने तेरे। बताए इसको कि हम दुनिया में कुछ करने थोड़ी आए हैं। मैडम, अब तो जो कुछ करना है बस आपने करना है। और इसको देख के ना ऐसा लगे कुछ कर सकती है। क्या क्या कहा इसने, क्या कहा? नहीं, इसने कहा कि हमारा ना इंटरव्यू ले लो। देखो, मुझे सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड की जरूरत है। तो मैडम एक ही तो है, मैं बॉडी ये गार्ड। मेरा मतलब मुझे सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत है। मैडम ये पागल है थोड़ा, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ कि हर औरत को एक ही आदमी की जरूरत होती है। और अगर मैडम, अगर आपने हमें बॉडीगार्ड रख लिया ना, तो हम आपकी वो जरूरत भी पूरी कर देंगे। Shut up! देखो, एक आदमी से मेरा मतलब है मुझे सिर्फ एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। वो कहा तो है एक ही है, मैं बॉडी ये गार्ड, आप समझती क्यों नहीं है? ओए, हाइट देखिए अपनी। मैडम मुझे बॉडीगार्ड रख लो ना। वैसे
तुम पहले किसी के बॉडीगार्ड बने हो? 3 साल से ये बॉडीगार्ड है। ओह रियली? मेरा। तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? ए यार, देखो पता क्या है? हम ना अमीर लोग हैं, वेरी पुअर। जरूरत से पहले ही सामान खरीद के रख लेते हैं। कल को मान लो कि आपका और मेरा चक्कर चल रहा है, मैंने मान लो मिसाल वैसे ही मिसाल okay, हाँ थैंक यू तो मान लो कि आपका मेरा चक्कर चल गया तो हम दोनों को एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी ना। अरे हाँ, हाँ तो इसलिए मैंने रख लिया। अबे कल को तेरा चक्कर थोड़ी चलने वाला है इसके साथ। exactly, कल को तो मेरा चक्कर चलने वाला है। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे क्या बकवास क्यों? तुम इसके साथ चक्कर चला सकती हो, मेरे साथ चक्कर नहीं चला सकती। अरे जाओ कुट्टी कुट्टी। अरे मैंने चलाया कर, वो तो कहने वाली बात थी ना। अब कह दिया ना, अब मुकरना नहीं। देखो मुझे तुम दोनों के साथ चक्कर चलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ एक बॉडीगार्ड चाहिए, अब वो भी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए मैडम, अगर आपको हमारे जैसे कल को छिछोरे छेड़ेंगे तो आपको बॉडीगार्ड की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसलिए मैं कहता हूँ बस मुझे रख लो। तुम पहले किसी के बॉडीगार्ड बने हो? ओ मैडम, बॉडीगार्ड तो मैं रामगोपाल वर्मा का भी बन सकता था। रियली? फिर मैंने सोचा जो बंदा खुद को बर्बाद करने में तुला हुआ है उसे भगवान नहीं बचा सकता, मैं क्या बचाऊंगा। ओफो, मैंने हार मान ली तुम दोनों से। एक काम करो, मैं तुम दोनों को अपना बॉडीगार्ड बना लूंगी। अरे ऐसे कैसे बना लोगी मैडम, हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। एक्सक्यूज मी, हमारी कुछ शर्तें हैं। हाँ मैडम, मैं अकेला नहीं सोऊंगा। मैं भी। यार बैजू, हाँ? मैं सारी उम्र कहता ही रहा मैं थप्पड़ मारने, इसने मार ही दिया। ओ मैडम, हम आपके थप्पड़ से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हम भूत से डरते हैं, इसलिए हम इकट्ठे सोते हैं। साथ सोते हो? देखा नीना, समझी? मैंने पहले कहा था ये थोड़ी बुद्धू टाइप है, ये सिर्फ शक्ल से अच्छी है, दिल की अच्छी राखी सामंत है। बिल्कुल, हम उसके पास काम करेंगे। हाँ, उसी के पास काम करेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो ये? ओए, अब एक लफ्ज मत निकालना। Carry on. You bloody bunch of idiots, obnoxious fools, disgusting creatures. Get out of here. मांगी ना अब माफी, मांगनी पड़ी ना। यही मैडम, हमारे शो में आके कोई हमारी बेइज्जती करे ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उनसे भी थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू। तो शेखर जी, कैसी लगी आपको हमारी इस हीरोइन की बॉडी? नहीं, बॉडी पे ही आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस बॉडी को गार्ड करने के लिए बॉडी गार्ड के नहीं, एक पूरी फौज की जरूरत है। आई थिंक यू आर फैंटास्टिक एंड सच अ वेलकम चेंज एंड अ वेलकम एडिशन टू दिस शो। और बहुत आपने अच्छा किया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैड एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। और आप दोनों के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। इट्स सो गुड टू सी यू बैक, इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अर्चना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज, सो आई लव दिस न्यू फॉर्मैट। और उसमें बोनी की आपने वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू एंटर्ड, आई थॉट कि विल शी बी एबल टू होल्ड इट अगेंस्ट दीज टू, बट यू हेल्ड योर ओन एंड यू आर वेरी 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 गुड। और आप दोनों बदमाशों के बारे में बोलूंगी मैं कि जो बैजू और बावरे के जो दोनों आपने कैरेक्टर्स जो पकड़े हैं, दे आर सो सो माइंड ब्लोइंग दैट आई थिंक अ होल फीचर फिल्म शुड बी मेड ऑन बोथ ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। अब इस परफेक्ट परफॉर्मेंस को परफेक्ट स्कोर्स भी दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अगली जोड़ी बुलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जोड़ी होगी सबसे बेस्ट परफॉर्मर, उसे अर्चना ले जाएगी अपने घर और मिलेगा शेखर का सहरा पहनने का शुभ अवसर। और शो के फिनाले तक जिस जोड़ी को सबसे ज्यादा बार अर्चना ले जाएंगी अपने घर और पहनेगी शेखर का सहरा, उस जोड़ी का घर सजा देगा देख इंडिया देख शानदार फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक से। पिछले साल एक ज्योतिष ने मुझे बताया कि मेरा आने वाला साल एकदम आराम से बीतेगा। अरे मैं ऐसा बीमार पड़ी कि पूरा साल आराम से ही बीता। वैसे बीमारी का क्या है, कहीं भी किसी को भी लग सकती है।
ऐसे ही जहां पना अकबर का रूटीन चेकअप करवाने के लिए बीरबल ले आए एक नर्स को. प्लीज वेलकम अकबर राजेश, बीरबल राजीव एंड नर्स कीर्ति. क्या पुराने लोग, वाह वाह क्या बात है, पुराना मजा, पुराना शमा, सब कुछ पुराना पुराना सा. बीरबल सबसे पुराना ये आया है. बीरबल बीरबल तुम्हारी गुस्ताखियां बढ़ती जा रही है. अबे क्या गुस्ताखी की बुढ़ाऊ मैंने, कल मैं जोधा के साथ टाइम पास कर रहा था तो तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे थे. बुढ़ा ये जोधा भाई को लंबी लंबी छोड़ रहा था, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा. मैंने कहा भाई काम हो जाए तो सीढ़ी मुझे भी दे देना. बीरबल बीरबल हमें कभी तो इज्जत दिया करो, कम से कम अकेले में ही सही. अकेले में इज्जत दी जाती है. तो बुड्ढा जानता सब घुंडा बनता है खाली. यार तुम मुझे बुड्ढा क्यों कहते हो, अब घुटने खराब हो जाने से कोई बुड्ढा थोड़ी हो जाता है. अच्छा और फेफड़े भी तो फड़फड़ा रहे हैं ना. तो एक ही फेफड़ा खराब है ना, अब फेफड़ा खराब हो जाने से कोई बुड्ढा थोड़ी हो जाता है. देखो ये बुड्ढा मानने को तैयार नहीं है. तो मान जाओ नहीं तो मैं बुढ़ापे वाली जगह पे पहुंच जाऊंगा. अभी मंजे कहे मंजे, आपका बुढ़ापा साबित करने के लिए मैंने किसी को बुलाया है, आ रही होगी अभी. नहीं रहने दो, हमारी तबीयत आज नरम है. चले काम कर, मेरे वाले पेशेंट को ना अपने बेड पे ले ले और अपने वाले को ना मेरे बेड पे ले ले. मेरा वाला बहुत पकाता है यार, कल इंजेक्शन दे रही थी उसमें भी मजे ले रहा था. चल मस्ती नहीं काट दूंगी यार. बीरबल ये नारकली, अरे कुतुब मीनार किधर है, टेढ़े मत हो. ये अनारकली नहीं सिस्टर है. दीदी पड़ा जीजा जी नहीं आए. ये वो वाली सिस्टर नहीं है, ये हॉस्पिटल वाली सिस्टर है. गेटअप भी देखा करो. कौन है पेशेंट ये? नहीं नहीं ये तो बहुत इंपेशेंट है. अच्छा अच्छा चलिए चलिए लेट जाइए लेट जाइए. यहाँ कोई देख लेगा. ये नब्ज चेक करिए. धक 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 धक, नब्ज बिल्कुल बराबर चल रही है. मेरी नब्ज चेक कर रही हैं आप, इनकी चेक करिए. हमें नब्ज की नहीं कब्ज की प्रॉब्लम. कब्ज चेक करने की अभी तक कोई मशीन बनी नहीं है. चलिए मुंह खोलिए मुंह खोलिए मुंह खोलिए. यार बीबल बीबल जब भी कोई चेकअप करने आता तो मुंह ही क्यों खुलवाता है, कहीं और से चेक कर लो. तुम ये बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या है. लेट मी रिमेम्बर, मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद नींद नहीं आती. समझी, मतलब तुम्हें वो करने के बाद वो नहीं लगता होगा और वो करने के बाद वो नहीं लगती होगी, राइट? मतलब आप लोग ये बीमारी की बात कर रहे हैं ना आप लोग. हाँ हाँ. अच्छा आपको कैसे मालूम कि इनको वो करने से पहले वो नहीं लगता, वो करने के बाद वो नहीं लगता, वो कैसे मालूम? बीरबल ये नर्स है, ये तो ये भी बता सकती है कि हमारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है. बुढ़ाऊ वो तो मैं भी बता सकता हूँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन अगर मैंने बता दिया ना तो ये चिल्ला के भागेगी. बचाओ बचाओ बचाओ. क्यों 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 ऐसा क्या चल रहा है इनके दिल में? नहीं ये बुड्ढा खुद तो चल नहीं पाता है, लेकिन इसके दिल में इतना कुछ चलता है, अगर शूट कर लो ना तो सीडी बन जाए धड़ल्ले से, छिप छिप के बिकेगी सीडी. इसका मतलब इनको दिल का बड़ा प्रॉब्लम है. नहीं हाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम होते कहाँ है, मैं बड़ा दिल वाला हूँ. अबे खाक बड़े दिल वाले हो, शरीर सूमो जैसा लेके घूम रहे हैं और दिल एकदम नैनो जैसा है. नैनो से याद आया, तुम हमारे नैना ही चेक कर लो. अरे नैनो से तो पिछले एक घंटे से तुम मुझे चेक कर रहे हो, मैं क्या चेक करूंगा. क्या हुआ आंखों में जलन हो रही है? कम दिखाई देता कम दिखाई देता? नहीं कम नहीं दिखाई देता, इनको ज्यादा दिखाई पड़ता. ये छोटी सी चीज को इतना बड़ा सा देख लेते और लड़कियों को आंखों ही आंखों में घर तक छोड़ा तुम. छोड़ो नैनो को छोड़ो, कुछ और चेक कर लो. और क्या चेक करूं? किडनी चेक कर लो. यहाँ नहीं हॉस्पिटल में. किडनी चेक करवानी थी, निकलवानी थोड़ी थी. बीरबल सजेस्ट मी नो सम गुड बीमारी. ये बुड्ढा असल में भुलक्कड़ है, ये इसकी याददाश्त चेक करो आप. हाँ याददाश्त से याद आया कि तुम हमारी याददाश्त चेक कर लो. अब
घुटने कमजोर हैं तो याददाश्त तो कमजोर होगी ना अंकल। अंकल मत को कॉल मी अक्की। ए झक्की। मुझे कॉल मी अक्की। चुपचाप चेक करवाओ। कोई फायदा नहीं, टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा हो गया। हुजूर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, बुड्ढा मर जाएगा। थैंक यू। अरे इनका टाइम नहीं, मेरा टाइम पूरा हो गया है। भरी जवानी में। वैसे नहीं, मैं सिर्फ पार्ट टाइम नर्स हूँ। फुल टाइम आइटम कर लूँ। आइटम कर। तो वही हलकट है ना जो हर सैटरडे को मेरे पर आकर पैसे लौटाता, वो क्या है ना नर्स के गट्टे में भिजवाने नहीं पाए तेरे को। कोई बात नहीं, तुम बताओ तो अभी फिर से पैसे लुटा दूं। 17 साल की लड़कियों पे पैसा लुटाता है ये बुड्ढा। 17 साल से मेरी पगार नहीं दी है। अजा चल 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 पैसे निकाल, नहीं तो मेरा डांस तो फ्री में ही निकल जाएगा। अरे बुढ़ाऊ थोड़े से पैसे मुझे दे दो, मैं खुद नाच के दिखा दूंगा। एक काम करो, ये 10 रुपए लो, उधर कोने में डांस करो। सिस्टर बेबी यू कंटिन्यू म्यूजिक। जजेस कैसी लगी हमारी नर्स कम आइटम गर्ल और अकबर और बीरबल आपको? नर्स के किरदार में कीर्ति ने आई थिंक बहुत जबरदस्त आपने समा बांधा। दिग्गजों को संभालने में कितनी दिक्कत होती है आप समझ सकते हैं, और कीर्ति ने बहुत बढ़िया तरीके से अकबर और बीरबल दोनों को संभाला। और ये जो तालमेल था ये काफ़ी झमेले वाला था, बट बहुत बढ़िया तरीके से आप तीनों ने इसे निभाया। फैंटास्टिक है। अच्छा There was such wonderful physical humor. बहुत मज़ेदार था आपके साथ, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था और बहुत काबिलियत से तीनों ने परफॉर्म किया। कीर्ति आपका भी ग्राफ ऐसा गया आपके परफॉर्मेंस का, 3 of you just together were mind blowing. Magic. Very good. And magic only has one number. आपके जो कॉम्बिनेशन रहा है फिजिकैलिटी का, पंचेस का, लाइंस का और आपकी एनर्जी का, उस सब के लिए आपको परफेक्ट। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, लेकिन अगर घर पर किसी का साला आ जाए तो क्या वो भी आधा घरवाला होता है? किसी लड़की का भाई वास्तव में अगर हो भाई तो उसके जीजे को तो भगवान ही बचाए भाई। ऐसे ही भावना का भाई रहमान आप पहुंचाए अपनी बहन भावना के यहाँ। प्लीज वेलकम स्वप्निल एज जिग्नेश, तुलिका एज भावना एंड रहमान एज भाई। वो सही बेंजो पार्टी, वो दंगार नासी डोल, सब सही है। दूध दही है माँ मस्का, उसी का चस्का है। अरे मरती रात है जिंदगी वाटे। ए भाई भारानी तो बजाता हूँ घंटी, आ जाए। अरे कौन शेयर मार्केट के टाइम में खोटी करता है यार। रमेश भाई तुमने करूँ फोन? हाय हाय सो क्यूट। कौन है? माँ कसम ये आदमी के माफिक फुटबॉल है कि फुटबॉल के माफिक आदमी? ओ ये जिग्नेश भाई का घर है? नहीं ये तुम्हारा घर है। अरे डाल ढोकली जिग्नेश भाई का ही घर है। क्या है तू भी इधर ही रहता है? हाँ क्यों? तो बाकी के घर वाले किधर रहते होंगे? तेरे से ना एक बहुत जरूरी काम है छोटे। देखो हमने चंदा देना बंद कर दिया है। अरे नवरात्रि माजी वार छे, चलो इधर आ, गौर से सुन बाबा एलिफेंट। बाबा एलिफेंट इरशाद। इरशाद अबे मुशायरे में लगने वाले गोल्टू तकिए, ज्यादा दिमाग खराब करेगा ना तो ये तेरा पूरा कवर फाड़ूंगा, कापूस निकालूंगा, साले चोर बाजार में चिंदी के भाव में बैठ डालूंगा साले। बाबा एलिफेंट। तुम मेरे को एलिफेंट बोला? मैं ए मेरे घर में आके तुम मेरे को एलिफेंट बोला? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन है? चल मेरा छोड़, तू कौन है? अपन डॉन। कौन? डॉन। इधर काय को आए?
ये अपन इधर भावना से मिलने आए छोटे। सॉरी सॉरी तो जा जगा उसको, चल अंदर जा जा हट। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं 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 भावना को छोड़ो, मेरा साथी। अरे क्या हो रहा है? अरे भावना तू के मारी भी अंदर जा, नहीं तो तने ले जैसे। अरे ये मेरे को छोड़, नहीं तो छूट जाएगी। अरे अरे कौन हो भाई आप? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे मेरा भाई। ये तेरा भाई है? अरे हंस तो बड़ी, ये मेरा भाई है। और ये तेरे एकदम सगे वाले जीजा जी। अरे भाई अगर कुछ गलती से कहा सुनाएगा तो माफ कर देना भाई। अरे मैंने तो खाली सुना मोटा भाई, कहा तो सब तुमने। अरे लेकिन भाई तू इतने सालों के बाद क्यों आया? इधर तशरीफ कैसे लाए मोटा भाई? अबे एड़े तशरीफ कैसे लाए मतलब, सब जगह लेके जाना पड़ता है, जॉइंट वेंचर है। ए मोटा भाई अभी इधर आ गए अचानक, तो आराम से एकदम ऐसा आधा पौना दिन घूम के वापिस जाना। ए अपन घूमने नहीं इधर छुपने आए ले। छुपने? मैं कुछ समझी नहीं। अपने को पुलिस ढूंढ रही है ना। क्या है ना कि अहमदाबाद में अपने से कांड हो गया है। उधर जितने भी कांड होते ना उसमें कांडी करने वाला कांडिया मैं हूँ। एंजॉय एंजॉय, कितना काला कांडी है मेरा भाई। लेकिन पुलिस तेरे को ढूंढ क्यों रही है? किसी ने चीटिंग किया अपने साथ। किसने चीटिंग किया मोटा भाई? वो एक सुनार ने यार, उसने एक दुकान खोला, दुकान के बाहर बोर्ड लगाया कि शुभ अवसर का लाभ उठाए। आप उन बोला माँ कसम निकल पड़ी, दीन दाड़े लूटम लाट के लिए दुकान में घुस गए ना भाई। के बाद वो लोग ने जो मेरे को मारा है ना भाई, केस हुए अपने पे। मतलब सजा लगी है? नहीं नहीं दफा लगी है। कितनी दफा लगी है? ये मोटे दफा लगी है, सुसुनी लगी है। अरे मोटा भाई गुस्सा मूत दो। हाँ, ये गुस्सा थूक दो। एक बात बता। हाँ। लेकिन तू कब तक ऐसे मारा मारा घूमता रहेगा? है हाँ, गिरफ्तार हो जाओ साला पहलवान। मैं भी सोच रहा हूँ ना कि कुछ भी धंधा होना डाल के ना साइड में सेट हो जाऊंगा। हाँ और शादी वादी करके एकदम अपसेट हो जा। अरे कौन लाइव आने? ये मारा बाप प्रॉब्लम। अरे ऐसे लड़के को कौन देगा लड़की? तुमको दी ना, उसको भी देगा। अरे अपने ना वो पेपर में एड दे देंगे। हाँ एक सुंदर सुशील बढ़िया सस्ती टिकाऊ हाउस वाइफ। कलर गया तो पैसे वापिस। और एक बात भाया, खाना बनाने आवे नहीं आवे मूड बनाना ना उनका। ऑफर वैलिड टिल रेनी सीजन ओनली। अरे कौन लाइव यार? तारा पप्पा मने खबर छे। ये शादी होगी किधर? सेंट्रल जेल में। क्या है ना अपने आधे से ज्यादा रिश्तेदार उधर ही जमा है ना, और वैसे भी तुमको मालूम है होल आजकल मिलता नहीं है। हाँ यार आजकल तो 12 महीने होल की बहुत मारा मारी है। अरे लेकिन पंडित बाहर से लाना अलाउड है? अरे पागल आजकल बाहर से ज्यादा अंदर ही पंडित मुल्ला लोग बैठे ले। और एक तो अपने पहचान का है गणेश पंडित। अरे वाह, सत्यनारायण की आरती में चिल्लर चुराने के चक्कर में अंदर है वो। भाई एक बात है, ये पहली शादी होगी इसमें सबसे ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन होगा। अरे वो कैसे? अरे एड़ी जेल में होएंगी ना वो। एसएल वर्ल्ड के झूले। चल अभी तू छुप जा। हाँ मैं क्या को छुपू? पुलिस से मेरी सेटिंग है, तूने मेरे को छुपाया इसलिए इसके चक्कर में तू अंदर होएगा। चल छुप जा। ए भावना ये जोयो जोयो मारा भाई कितना कॉमेडी छे। ए मम्मी जय जिनेंद्र। जानना चाहती हूँ कि हमारे जजेस इस भाई की शादी में शामिल होना चाहेंगे? जरूर होना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि लोग जोरदार तालियां बजाएं इस फैंटास्टिक एक्ट के लिए। ये एक मुश्किल एक्ट था और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो आप लोग करना चाह रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है और कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है। एंड शुरू से आखिर तक मनोरंजन ही मनोरंजन था। इट वॉज अ वेरी वेरी delightful act. So congratulations to all three of you.
अर्चना तुलिका यू आर वेरी गुड. आपकी जो टाइमिंग है वो इट्स रियली वंडरफुल. और स्वप्निल यू आर सो टैलेंटेड एंड योर सेंस ऑफ टाइमिंग इज इम्पेकेबल. दिस होल एक्ट लंबा लिखा गया लेकिन इतना मुश्किल है दैट लाइन आफ्टर लाइन कैन हैव अ पंच. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर शो ऑलवेज. चार लाइनें नहीं ढूंढ सकते बाकी शोज या इवन इन फीचर फिल्म्स. एंड वी कम बीप माय वर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. इट इज ट्रेमेंडस. दूसरे कई चैनल्स इसको कॉपी करने की कोशिश की. मतलब फॉर्मेट तो कॉपी कर लिया लेकिन परफॉर्मेंस कहां से लाएंगे. अर्चना स्कोर्स दे दीजिए इन्हें अभी. आई थिंक आई'd लाइक टू गिव बिकॉज देयर लॉट ऑफ स्कोप अगेन बट 9. आपको पता है एक बार मैं खो गई थी. अरे नहीं मैं एक बार में नहीं खोई थी. एक बार मैं खो गई थी. ऐसी ही एक खोई हुई मासूम सी लड़की को जब मिले हमारे दो हवलदार काले और कदम तो किसने किसको हथकड़ी पहनाई आइए देखते हैं. प्लीज वेलकम VIPS काले अलियस कदम विद रोशनी चोपड़ा. तो कोई लड़के भी नहीं है. कहाँ गए मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स? ये खत्म. वो देख लड़की. चम्मा अल्लाह पहले कभी लड़की देखा नहीं क्या? अरे लड़की रो रही है और रोती हुई लड़की. चलो उसकी तलाशी लेते हैं. तलाशी नहीं रहता है की काट वो इस लेते हैं. चल या चौकरी या गला फाड़ फाड़ के रोका के ले रही है. वो मैं भटक गई. भटक गई के लटक गई? अरे नहीं रे मैं मेले में भटक गई. यहाँ इस फेयर में भटक गई. इट्स नॉट फेयर. क्या नहीं इसका मतलब इधर मेला किधर है? ये शुमशाम जगह है बिल्कुल. हाँ हाँ मैं जानती हूँ. सुन कल रात ना मैं यहाँ अपने दो बॉयफ्रेंड्स के साथ आई थी. सुबह मेरी नींद खुली तो यहाँ मेला लगा हुआ था और मैं भटक गई. इसका मतलब तू नहीं भटकी तेरी वजह से मेला भटक गया. अभी सीधे बता तू खोई कैसे? खोने के बाद पता थोड़ी चलता है. मतलब देख मैं कल रात यहाँ अपने दो बॉयफ्रेंड्स के साथ आई. वो दोनों मेरी दो बाहों में मैं उन दोनों की चार बाहों में. ऐसे खोई ऐसे खोई ऐसे खोई कि बस. वो मेला था क्या जमेला था? बकवास बंद कर अपना. बकवास तो मैंने अभी खोली भी नहीं. तो खोलो ना काले. अरे मुंह खोलो अपना नाम बोलो. प्रकृति. दो दो बॉयफ्रेंड घुमाती प्रकृति. हाँ क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है. और हम जैसे जवान लोगों को बातों में उलझाना तेरा नियम है. वैसे उलझाने से याद आया तुम बड़े हैंडसम हो. एक कदम ये तेरे को हैंडसम बोली इसका मतलब ये झूठी भी है. ए, मेरी माँ ने कहा किसी के फायदे के लिए झूठ बोलो तो झूठ झूठ नहीं होता है. भाई देव ये तो फायदा किसका है? मेरा. तो जैसे को हैंडसम बोलने का 2000 चार्ज करती हूँ मैं. ए हंस मत तेरा 2500. लगता है इसको जेल ले जाना ही पड़ेगा अभी. हाँ भेजो ना मैं सब झेलने के लिए तैयार हूँ. पिछली बार जेल गई थी तो अब तक जेलर का कॉल आता है दोबारा कब मिलोगी? चम्मा आयला ये निकुल जेलर. ये जेलर कम जोलर ज्यादा निकला. एक कदम ये आइटम मेरे को घर से भागीली लगती है. अरे हाँ सही कहा तूने. क्या हुआ ना कल रात मेरे बॉयफ्रेंड के घर में उसके पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ गए. तो मैं क्या करती मुझे भागना ही पड़ा. सोच तू मेरी जगह में होता तो तू क्या कदम उठाता? कदम. अरे कितना फेर है इसका. मेरे कैरेक्टर पर शक मत कर. क्यों? यकीन कर. क्या मैं ऐसी नहीं हूँ? तू कैसी है ना ये मेरे को मालूम है. और तेरे को एक बात बता दूं मेरे से तेरे को आप कोई बचा नहीं सकता है. मेरे से भी है? अच्छा तो तुम मुझे जेल भेज दोगी? वाओ आई लव यू. हाँ रानी जेल तो तुम जाओगी पर वो जेल भी हमारी होगी. और इस बार वहां के जेलर भी हम होंगे हम होंगे हम होंगे. तीन तीन जेलर है तो मैं जेल नहीं जाऊंगी. तो
तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ने का क्या लोगे? पैसा। छी, ये चुमाइला, ये बात हथकड़ी। अरे प्यार की हथकड़ी है ये। ये है प्यार की हथकड़ी। हथकड़ी नहीं है, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रोशनी चोपड़ा हूँ फ्रॉम द एंटी करप्शन ब्यूरो। ये काले, हाँ। ये आंटी तो करप्शन ब्यूरो वाली निकली। एंड यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस स्टेशन, पुलिस, पुलिस स्टेशन, पुलिस। शेर को सवा शेर मिल ही गया, लेकिन शेर को सवा शेरनी मिलेगी ये नहीं पता था। आइए पूछते हैं जजेस से कैसा लगा उनको ये मासूम पुलिस डिपार्टमेंट। अर्चना जी, कैसे लगे आपको ये? द सरप्राइज पैकेट ऑफ दिस होल एक्ट इज रोशनी। वाह, थैंक यू। आई एम सॉरी टू से बट आई हैव टू से इट दैट आप इन दोनों पर बहुत भारी पड़ी। नारी हमेशा भारी। अली एंड वीआईपी, मुझे मालूम है कि देख इंडिया देख में आपने इतनी बार यही कैरेक्टर किया है, इस दायरे में आप थोड़ा बन जाते क्योंकि यू डूइंग द सेम कैरेक्टर अगेन एंड अगेन, और उसमें इतना ह्यूमर लाना बार बार, इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। इट इज़ अ डिफिकल्ट फॉर्मैट। आई थिंक और लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल फॉर्मैट है, बट यू गाइस स्टिल आर डूइंग अ फैबुलस। रोशनी, तू कमाल की चोपड़ी है। जिस तरह से रहमान ने भाई का एक्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है, आपने भी लटके झटके का जो एक्ट है वो आपसे बढ़िया कोई नहीं करता। और आप दोनों तो रहते ही अच्छे, और इस बार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ख़ास तौर पे उस वक्त ज़्यादा अच्छे हो गए जब आप दोनों अपनी औकात पे आ गए। टुगेदर इट वॉज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। जजेस अभी ने वंडरफुल मार्क्स दे दीजिए प्लीज। मुंबई में पानी की कितनी प्रॉब्लम है, अरे मुझसे पूछो, 3 दिन नहीं नहाने से कैसा महसूस होता है, मुझे आज ही अर्चना जी ने बताया। पानी ना हो तो प्रॉब्लम, और अगर हो और बाढ़ के रूप में हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम। ऐसे ही बाढ़ के पानी की प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के कई कलाकार। हमारी सरकारी बाढ़ नियंत्रण कर्मचारी मालती मनोहर मिश्रा के पास, प्लीज वेलकम राजा एज मल्टी स्टार्स एंड गौरव एज मालती मनोहर मिश्रा। सूखे की समस्या। अच्छा है। बाढ़ नियंत्रण केंद्र में आपका स्वागत है, मैं मालती मनोहर मिश्रा, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? अच्छा है बाढ़ नियंत्रण केंद्र है। देखिए बाढ़ नियंत्रण केंद्र है, दिमाग नियंत्रण केंद्र नहीं है। दिमाग तो तेरा नियंत्रण में नहीं है, पूरे शहर में बाढ़ आ रही है, तू सूखे की समस्या पड़ रही है। ये सरकारी दफ्तर है, शांति रखिए। शांति? अरे शांति तो उसी दिन भंग होगी जिस दिन मेरा घर स्विमिंग पूल बन गया है। तो मेरे आंगन में पानी जम गया है और वहाँ पर नाना प्रकार की प्रॉब्लमें खड़ी हो गई हैं। ओ, पानी जम गया तो धूप दिखाओ पिघल जाएगा। है दिमागी माँ। मालती मनोहर मिश्रा, धूप दिखा के पानी नहीं पिघलाना है, वहाँ पर पंप लगा के गटर में डालना है, पानी सारा अंदर चला जाएगा। गटर हाउस फुल है। कल कब होगा? टाइम तो लगेगा, सरकारी गटर है। जल्दी गटर खाली करो, वहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कि साला एक मच्छर आर्मी को साला हिजड़ा बना देता है। मुझे कैसे पता, मैं तो औरत हूँ। सही कहती है काम वाली भाई, कोई किसी के साथ सो रहा है, कोई किसी के साथ सो रहा है, मैं भी किसी के साथ जाके सो जाऊंगा, पानी की समस्या सोल्व हो जाएगी। येड़ा। यस, बाढ़ नियंत्रण केंद्र, क्या तो तुम्हें किसने कहा था टॉयलेट यूज करो? 2 दिन रुक नहीं सकते थे। कॉमन आदमी। उत्तरी। मेरी व्हाट, तमीज से बात करो। जी वो मेरा घर है ना, घर है यू नो, उसमें ना बाढ़ का नमकीन पानी घुस गया। जो दूसरों के काम में टांग अड़ाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। ये क्या लगा रखी है, कहाँ रहते हो? वेस्ट वेस्ट
बैंड्रा वेस्ट हाँ। एक बार घर फोन करके पूछ लो। उत्तरी घर मेरा यार हाँ। मुझे पता है घर कहाँ पर है हाँ? तुम्हें कैसे पता हाँ? देखो बाढ़ की वजह से कई सारे घर बह के वेस्ट से ईस्ट में आ गए, इसलिए कह रही हूँ। मेरी परमिशन के बिना तो तारे भी जमीन पे नहीं आ सकते हाँ? तो घर ईस्ट और वेस्ट में कैसे चले जाएंगे हाँ? इसमें जरूर उसका हाथ है। किसका? अल्लाह तुम यही रहना हाँ। मैं अभी 16 मिनट में चेक करके आता हूँ। उत्तरी अपनी तो पाठशाला 15 मिनट से ज्यादा तो कुछ याद नहीं रहता, 16 मिनट में तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। चुआ 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 चुआ, अरे तुम्हें चूहे की पड़ी है, मेरा घर डूब रहा है। कौन से फ्लोर पे रहते हो? सेकंड फ्लोर पे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पानी सिर्फ पहले फ्लोर तक आएगा भाई। लेकिन फर्स्ट फ्लोर में तो मेरी काम वाली भाई रहती है। तुम उसके ऊपर रहते हो? हाँ। वो तुम्हारे नीचे रहती है? हाँ। ये तो पुलिस केस है। हाँ, हाँ। हेलो पुलिस स्टेशन। रहने दे बेटी, रहने दे, सारी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगा हा? काम वाली भाई की भी और बाढ़ की भी। फोन 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 रख दे रख दे। हाँ ओके लव यू। हेलो। हाँ वो कंप्लेंट लिखवानी थी, अब नहीं लिखवानी, मूड बदल गया। क्यों? तुम्हारा ईमान बदल सकता है, मेरा मूड नहीं बदल सकता। पुलिस वाला। डूब गई। मैं कहाँ डूब गई? हाँ तुम नहीं, मेरी फिल्म डूब गई। डूब नहीं थी, मेहनत से बनाते हो, दिमाग से बनानी चाहिए। पानी में डूब गई। कहाँ रहते हो? हसीनों के दिलों में। एड्रेस बोलो। दे दर्शन सोसाइटी माला डी विंग ग्राउंड फ्लोर। शर्म आनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो फिर भी हवा में उड़ते हो। आपके यहाँ कोई नुकसान का जायजा लेने पहुंच जाएगा। ओके फिर भी कब तक आएगा? 10 जुलाई। थैंक यू। 2011। हाँ इतनी लेट, तब तक तो तुम बूढ़ी हो जाओगी। दो हजार ग्यारह में मैं क्या बूढ़ी हो जाऊंगी? अरे कमाल हो गया मालती तू। अबे तू कोले में क्या माल लगती थी यार, भूल गई? याद नहीं आया? एक मिनट रुक। आओ क्या सलमान याद है? ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेती क्यों नहीं हो? तुमने किसी लायक छोड़ा ही कहाँ? अरे ये सब बातें छोड़ो, चलो अभी थोड़ा डांस हो जाए, बहुत साल के बाद मिले हैं, थोड़ा सा डांस हो जाए। नहीं नहीं अरे आओ ना। मैं नहीं ना। अरे आओ ना। नहीं नाचूंगी मैं। नहीं नाचेगी? नहीं नाचूंगी। हाँ करूंगी। इनकी बाढ़ की समस्या हमारे जजेस कितने समझ पाए हैं? जजेस बताइए। Undoubtedly, unmistakably ये आज की शाम का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। राजा यू हैड अ वेरी डिफिकल्ट जॉब बट इक्वली गौरव टू मेंटेन योर कैरेक्टर एज अ वुमन इज आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड। इट वाज एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। And as I said right in the beginning, and I'm saying it now, that it was the best performance of the evening. Thank you so much. Combination dono ka mujhe bahut bahut pasand aaya, and cleverly written script and very well executed. Thank you guys, you were wonderful. Judges abhi ne wonderful marks de dijiye please. Well, it's good to acknowledge the fact that we are back to where we belong, so you deserve nothing short of this. मुझे लगता है कि that अकबर एंड बिलबर were that slightly better, so for my sir it's a 9. तो अब वो पल आ ही गया जब अर्चना जी हमें ये बताएंगी कि कौन सी जोड़ी है आज की बेस्ट परफॉर्मर, जिसे अर्चना जी ले जाएंगी अपने घर, और शेखर जी किसे पहनाएंगे सेहरा। इससे पहले कि आप लोग बताएं, जोड़ियां प्लीज स्टेज पे आ जाइए। अर्चना जी, शेखर जी,
कौन है आज के बेस्ट परफॉर्मर्स? मैं समझता हूँ कि सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्कोर्स एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, लेकिन कंसेंसस के हिसाब से जो अर्चना और हमने डिसाइड किया और जो मार्क्स भी दिखा रहे हैं, आज की शाम की तिगड़ी है। राजेश, राजीव और कीर्ति। भाई मुझे तो एक बात कहनी है कि राजेश, राजीव और कीर्ति को तो मैं घर ले जाऊंगी आज, तीनों को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काबिले स्पेशल मेंशन हैं आज, जिन्हें मैं मेकअप रूम में ले जाऊंगी। Oh my God, that's worse. सारी कारस्तानियां मेकअप रूम में ही होती है। I want to take you home, but I cannot, so I'll take you to the makeup room. And Roshni, Roshni, you are fantastic also. अगले हफ्ते और भी ज्यादा जोर शोर से हम मिलेंगे एक और नए ट्विस्ट के साथ, पहचान कौन। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।